सिवान से बड़ी खबर है, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने यहां पर आपको बता दें कि हंगामा करना शुरू कर दिया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई है। आरजेडी प्रत्याशी को हारते देख ये कार्यकर्ता अचानक भड़क उठे, जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की है, लाठीचार्ज करना पड़ा है पुलिस को। यानी कि जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर रिजल्ट दूसरी तरफ जाती है, जीत होती है एनडीए की, तो यहां पर खून बह सकता है, खून खराबा हो सकता है। और यही तस्वीर निकल करके सामने आ रही है सिवान से, क्योंकि सिवान की बात करें तो यहाँ पर आरजेडी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि ये सीट हमारे खाते में नहीं आई है, तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हो हंगामा करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी की गई है। और यहाँ पर पुलिस को हालात को कंट्रोल नहीं करने के लिए, संभालने के लिए फायरिंग पड़ी है, लाठी चार्ज करना पड़ गया है। बिल्कुल, तो सिवान से ये झड़प की खबर मिल रही है और लगातार हम आपको टैली भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से परिणाम सामने आए हैं हर राज्य की, जहां का रुख करें पश्चिम बंगाल में हालांकि टीएमसी को बढ़त है लेकिन बीजेपी ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर कांग्रेस और उनकी सहयोगी जो डीएमके है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके अलावा अगर झारखंड की बात करें तो 12 सीटें एनडीए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाते हुए यहां पर नजर आ रही है। और हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, हम लगातार